नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 10 अगस्त 2017 को तीनों शिफ्टों में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 25 25 25 75 क्वेश्चन जो बनते हैं। पूरी कोशिश मेरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में डिस्कस की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी जो बुक है वो किसने लिखी है। तो इसको लिखा है यासीर उस्मान ने। तीसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है। तो इसके फादर है टिम बर्नर ली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर इन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में, तो आईपी एड्रेस में टोटल 32 बिट होते हैं, 32 बिट। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाई सन, सूरज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। Who has right to appoint governor? तो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है गवर्नर को अपॉइंट करने की। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। मलाक्का स्ट्रेट डिवाइड्स विच टू आइलैंड, तो मलाक्का जो स्ट्रेट है वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी दोनों को डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। नेफ्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ बॉडी, तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं हमारे किडनी के पार्ट होते हैं। द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू राजस्थान, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास होती है वो राजस्थान से भी पास होकर जाती है। हु वॉज द अनपर राजा, अनपर राजा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर हो गया अकबर। एस साई प्रणीत रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। जनवरी 2017 TPP एग्जिट कंट्री कौन सा है, USA। अगला क्वेश्चन है, लिटरल मीनिंग ऑफ सेंटोरी, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में MIC निकली थी, यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड। मिनिमम एज ऑफ गवर्नर बनने की मिनिमम एज 35 ईयर होती है। विच ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है, तो ये है साइरोलाइट। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में इंक्लूडेड है, तो ये है Part 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड है। माई स्टोरी बुक इज रिटन बाई विच क्रिकेटर, तो माइकल क्लार्क ने लिखी है माई स्टोरी। अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन, तो ये ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को टिक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबल पीस प्राइज 2016, तो जॉन मैनुअल सैंटोस ने पीस प्राइज जीता है नोबल का। हु वॉन 2016 US ओपन मेन्स फाइनल किसने जीता है, तो मेन्स फाइनल जीता है स्टैन वोवरिंकन ने। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है ब्लड का, AB, ब्लड ग्रुप AB। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ विच हाउस, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर होता है। बारदोली सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया था सरदार पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड है, एन इरा ऑफ डार्कनेस बुक किसने लिखी है, तो इसको लिखा है शशि थरूर जी ने। इसके बाद है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट NaCl होता है। इंडिया साइंड MOU इन क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से रिलेटेड इस कौन सा साइन किया है, UAE के साथ में साइन किया है। एक क्वेश्चन ग्रीन हाउस से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल अंडर किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है। हु रिसीव्ड संजय चोपड़ा अवार्ड, अर्जुन सिंह को मिला है संजय चोपड़ा अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, 49th पैरेलल लाइन किन किन देशों के बीच में है, तो 49th पैरेलल लाइन जो है वो USA और कनाडा के बीच की लाइन को बोलते हैं। JPEG का फुल फॉर्म बताइए, तो JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसुलिन, तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है। माधुरी दीक्षित कौन से डांस से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर है कथक डांस से एसोसिएटेड है। गैम्बिट किस गेम से रिलेटेड है, तो गैम्बिट जो है हमारा चेस गेम से रिलेटेड है।
विच कंट्री बिल्ड 500 हाउसेस इन जेरूसलम? जेरूसलम में 500 घर कौन से कंट्री ने बनाए हैं? तो इसराइल हो गया। एक क्वेश्चन सार्क से रिलेटेड आया था, एक क्वेश्चन सुंदरबन से रिलेटेड आया था, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि ड्रुक यूल किसे कहा जाता है, तो ये भूटान को ड्रुक यूल भी कहा जाता है। भारतीय अशांति के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ से किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था। ओडोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये एक क्वेश्चन था। सेफ्टी लैंप किसने इन्वेंट किया था, तो इसका इन्वेंशन किया था सर हम्फ्री ने। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो 10 तारीख में पूछे गए हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आगे भी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं आप तक जल्दी से जल्दी लाता रहूंगा। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।